जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और यहाँ देख सकते हैं आप, पीछे कांवड़ आने भी शुरू हो गई है, भक्तों की टोली शुरू हो गई है और अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान कर रही है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सचिन गुप्ता जी द्वारा हर वर्ष की भांति विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसका नाम अब की बार रखा गया है स्वर्गीय श्री राम बिहारी गुप्ता जी की स्मृति में ये भंडारा लगाया गया है, जो उनके पिताजी थे उनकी याद में ये भंडारा लगाया गया है। और आप देख सकते हैं इस बार कांवड़ यात्रा जो होने वाली है वो कितनी सुखद होगी, प्रशासन ने कितनी तैयारियां की हैं। इस बार जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा बढ़ने वाली है, पिछली बार से भी ज़्यादा कांवड़ यहां पर आने वाली है और रुड़की उसके लिए तैयार है। जो रुड़की में लोग रहते हैं वो कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था करते हैं, जिस तरह सचिन गुप्ता जी ने किए। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सचिन जी, क्या कहोगे अगर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी आपके द्वारा ये कांवड़ शिविर लगाया गया है? देखिए, आज हमारा जो है कांवड़ शिविर यहाँ पे जो लगाया गया भंडारे का, वो मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री राम बिहारी जी गुप्ता जी की स्मृति में लगाया गया है। और ये भंडारा आज से प्रारंभ होके और जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी 12 या 13 तारीख तक ये भंडारा लगातार 24 घंटे चलेगा। यहाँ पे भोजन के साथ साथ चाय नाश्ते की व्यवस्था भोले की जो है करी गई है। यहाँ पे भोले आएंगे और भोलों का जो यहाँ पे आगमन होगा उनके लिए जो है हमने कूलर लगाए हैं, जिससे वो यहाँ पे आराम से विराम कर सकें, थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकें, आरती कर सकें और यहाँ से अपना आशीर्वाद प्राप्त करके वो आगे का गंतव्य अपना पूरा कर सकें। देखिए, भंडारा आज से प्रारंभ होकर 12 या 13 जुलाई तक चलेगा, जब तक प्रभु की इच्छा है 12 तक रहेगी, 12 तक चलेगा, जब तक कांवड़ शुरू नहीं हो जाती और कांवड़ यहाँ पे बंद नहीं हो जाती। नहीं तो 12 में 13 हो जाओ, 14 हो जाओ या जल तक हो जाओ, वो तब तक ये चलेगा और 24 घंटे चलेगा। सचिन जी, जिस तरह इस बार पिछले वर्ष की बात है, कांवड़ ये जो है बड़ी संख्या में आने का अनुमान लगाया गया है, तो क्या आपके द्वारा कोई अलग से व्यवस्था होगी? देखिए, अलग से व्यवस्था में तो यही है, यहाँ पे भोजन की चाय नाश्ते की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पे कूलर और पंखे इसलिए लगाए गए हैं जिससे वो आराम से विश्राम कर सके और आगे अपने गंतव्य जाने के लिए फ्रेश होकर यहाँ से जा सके। दूसरा ये है, मैं आपके सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये मैंने अपने पिता स्वर्गीय श्री राम बिहारी गुप्ता जी की स्मृति में ये भंडारा आयोजन किया है। इसमें मैं किसी भी प्रकार की किसी भी सहायता किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं ले रहा हूँ, ना मैं इसमें किसी से अपेक्षा करता हूँ कि कोई अपनी आकर मेरे नाम से रसीद कटवाए। हाँ, इतना जरूर है कि मैं रुड़की वासियों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इस भंडारे में जरूर आएँ, अवश्य आएँ और अपने हाथ से इस भंडारे को भोलों में बाँट कर और उनका जो है पेट भरकर इसमें पुण्य कमाए। देखिए, पिछली बार जब हमने किया था, जब कमल चावला जी हम सब ने मिलकर किया था ये हर हर महादेव कांवड़ सेवा समिति के द्वारा, तब 3.5 लाख कांवड़ियों ने लगभग इसमें भोजन किया था, जबकि उसमें कोई गिनती नहीं थी चाय नाश्ते की। तो अब की बार उम्मीद करके चल रहे हैं कि कम से कम 5 से 6 लाख कांवड़िए हमारे यहाँ भोजन करके जाएंगे, बाकी तो करोड़ों की संख्या में जो है हरिद्वार के अंदर कांवड़ जो है बोले जो हैं वो जल लेकर और आगे अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। देखिए, यहाँ पे मेडिकल कैंप जो है वो समर्पण ग्रुप के द्वारा लगाया गया और उनके द्वारा भोजन व्यवस्था भी की गई है, जो बहुत ही शुभ कार्य वो पिछले 24 वर्षों से करे आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक ही परिसर है, एक ही कैंपस है, तो हमारे दोनों भंडारे और उनका जो दवाइयों का मेडिकल कैंप है वो एक ही परिसर के अंदर चलेगा। इस बार शिविर का जो हमारे वाले का नाम है वो स्वर्गीय श्री राम बिहारी गुप्ता जो है उन्हीं की स्मृति में रखा गया है भंडारा, उन्हीं के नाम से भंडारा है। रेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर कैंप लगाया गया है शिव भक्तों के लिए। क्या कहेंगे सर, क्या क्या सुविधाएं शिव भक्तों को यहाँ पर मिलने वाली? जय भोले की। शिव भक्तों की जो हमारी तरफ से सेवाएं रहेंगी, जो भोले बाबा के आशीर्वाद है उनके उनकी तरफ से जो भी हमारे को सहयोग मिलेगा वही सारी सुविधा हम देंगे। आप देख रहे हैं हमने पंडाल तैयार हो गया है, सामने भोजन तैयार हो रहा है, प्रसाद तैयार हो रहा है और पिछले 20 दिन से यहाँ तैयारियाँ चल रही थी जो आज विधिवत पूरी हो चुकी हैं और आज अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ उद्घाटन होने वाला है शहर के जनप्रतिनिधियों द्वारा। बस और भोले बाबा जो भी हमसे कराएंगे शिव भक्तों की सेवा के लिए वो हम करते रहेंगे। मेडिकल कैंप के साथ साथ खाने की व्यवस्था भी है? जी, मेडिकल कैंप के साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी है और मेडिकल कैंप में हमारे यहाँ सारी औषधियाँ जो हैं ब्रांडेड कंपनियों की होंगी और जो हमें टीम मिली है, डॉक्टर्स की टीम मिली है, वो हमारे यहाँ CMO ऑफिस से मिली है, तो वो 24 घंटे यहाँ शिफ्टों में काम करेगी, 8-8 घंटे की उनकी शिफ्ट है,
तो और सारे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, आप देख रहे हैं सारे सरकारी डॉक्टर्स हैं। और प्राइवेट में हमारे IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उसका हमें सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ किसी को भी अगर कोई ज़्यादा यहाँ हमारे कवर नहीं होगा तो हम उनके हॉस्पिटलों में पेशेंट को लेके जाएंगे। दो एम्बुलेंस है हमारे पास, उनके थ्रू हम जो है यहाँ से शिव भक्तों को अगर कोई दिक्कत होती है वहाँ नज़दीकी हॉस्पिटलों में उनको एडमिट कराएंगे। कितने वर्ष हो चुके हैं सर यहाँ पर कैंप लगाते लगाते आप? लगभग 24 वर्ष हो गए हमारे यहाँ पर इस वर्ष, वैसे तो यहाँ 26 वर्ष होने चाहिए थे, लेकिन बीच में जो महामारी रही कोरोना की उस कारण 2 साल हम शिविर लगा नहीं पाए थे शिव भक्त, और ये 24वां शिविर है हमारा। पार्षद जी हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश गर्ग जी क्या कहेंगे सर? सावन यात्रा शुरू हो गई है, सावन का पवित्र महीना। बहुत बढ़िया, भगवान भोलेनाथ की कृपा है, इतनी सुंदर भव्य यात्रा शुरू हो चुकी है जिसका हमें पूरे वर्ष इंतजार रहता है कब यात्रा शुरू हो, कम भोलों की सेवा करें हम। ये पिछले 24 वर्षों से लगातार ये समर्पण पूरे समर्पण भाव से भोलों की सेवा में लगातार चल रहा है। और सारी सुविधाएं, आप हरिद्वार से चलेंगे तो आपको सबसे पूर्ण रूप से सुविधा आपको यहाँ मिलेगी, नहाने की सुविधा है, समर सेवा लगा है, भोजन की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, कूलर जनरेटर हमने सारी व्यवस्थाएं यहाँ की हैं, किसी भी प्रकार का जो भोले के भक्त हैं उनको दिक्कत ना हो। सभी भोले भाइयों से और देखिए मैंने बताया ना कि गंगा ये भगवान भोले का दरबार है, पवित्रता को भी ध्यान में रखते हुए जा रहे हैं और कतार में जा रहे हैं, तो शहर में परेशानी होना तो बाकी भोले भाइयों के लिए चिकित्सा लेकिन बताया ना उपलब्ध है।